हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल, कौन कौन से रिएक्शन आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू चलेंगे, उसको हमने समझ लिया था। नाउ अब हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं एक एक करके ध्यान से। तो उसको हम देखते हैं एक एक करके ध्यान से। काफ़ी ईजी ईजी रिएक्शन है। तो यहाँ पर मैं दूसरे टाइप का रिएक्शन ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर रिमूवल ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, मतलब कार्बोनिल ऑक्सीजन का रिमूवल। अब देखो, कार्बोनिल ऑक्सीजन का रिमूवल मैं किस तरीके से करूंगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बोनिल ऑक्सीजन आपका होता क्या है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये हमारा होता है बच्चों कार्बोनिल ऑक्सीजन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन का रिमूवल करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इसमें मैकेनिज्म को समझेंगे कि मैकेनिज्म इसका क्या बोलता है बच्चों। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो इसके मैकेनिज्म को अब हम समझते हैं। यहां पर हम बोल सकते हैं रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, इट्स डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव्स को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर NH2Z के फॉर्म में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि डेरिवेटिव्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, NH2 और Z के फॉर्म में लिखते हैं। काफी इजी रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसके मैकेनिज्म की ओर चलता हूं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसका मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में आपका क्या होगा उसको समझते हैं। देखो, यहां पर मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया। ठीक है, यहां पर मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ये मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया हुआ यहां पर। ठीक है, जैसे ही मैंने यहां पर कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, और यहां पर आपका क्या होगा, सबसे पहले H+ क्या करेगा, कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। कार्बोनाइल ऑक्सीजन को क्या करेगा बच्चों, यहां पर ये प्रोटोनेट। अब यहां पर इसने यहां पर प्रोटोनेशन किया कार्बोनिल ऑक्सीजन का, तो इसके ऊपर प्लस साइन, यहां H। ठीक है, अब इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, तो काफी इजी है। तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, अगर ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां पर प्लस चार्ज और यहां पर OH। ठीक है, ये आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। स्टेप 2 काफी अच्छी स्टेप है, स्टेप 2 को काफी अच्छे से ध्यान से समझना बच्चों, यहीं से आपका खुलेगा पॉइंट। ठीक है, स्टेप 2 में आपका क्या होगा बच्चों, जो वहां से जो आपका स्ट्रक्चर मिला है, उस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो यहां पर प्लस, यहां पर OH। अब इसकी रिएक्शन NH2Z के साथ कराऊंगा, तो इसके पास क्या होगा बच्चों, लोन पेयर। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। नाउ अब आपका क्या बनेगा बच्चों, CNH2, यहां पर प्लस साइन, यहां पर Z और यहां पर आपका OH। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको इस तरीके से ना लिख के, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर प्लस साइन है, प्लस साइन हटने के लिए ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा और ये आपका H- यहां से रिमूव हो जाएगा। तो यहां से आपका H+ आपका रिमूव हो गया और यहां पर क्या बन गया बच्चों, C, यहां पर NH और ये आपका Z और यहां पर आपका OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ध्यान से समझना। स्टेप थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर अगर मैं स्टेप थर्ड की बात करूंगा, तो स्टेप थर्ड में आपका क्या होगा कि स्टेप थर्ड में आपका यहां से CNH ZOH। अब देखो, ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा और यहां से H2O मॉलिक्यूल रिमूवल होगा इस H को लेके। तो H2O का रिमूवल हुआ और यहां पर आपका ऑक्सैम टाइप का कंपाउंड बना लिया। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को शॉर्ट में लिखना चाहूं, तो इस रिएक्शन को मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं, इस रिएक्शन का अगर मैं नेट रिएक्शन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, ध्यान से समझना। नेट रिएक्शन, इस रिएक्शन का नेट रिएक्शन मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये आपका कार्बोनाइल बॉन्ड, यहां पर NH2N और यहां पर Z अमोनिया डेरिवेटिव, इसको मैंने बाहर निकाल लिया
और यहां से आपका क्या बनेगा बच्चों, CONZ ऐसा बन जाएगा। ये मैंने लिख दिया इसका नेट रिएक्शन, ठीक है। अब हम सबसे मुद्दे वाली बात करते हैं कि मैकेनिज्म मैंने क्यों लिखा। देखो मैकेनिज्म लिखने का कोई ना कोई रीजन रहा होगा, इसलिए मैंने यहां पर मैकेनिज्म लिखा बच्चों। तो मैकेनिज्म लिखते टाइम मुझे एक चीज यहां पर एनालिसिस करने को मिला, आप लोग भी ऑब्जर्व करेंगे तो देखते बच्चों क्या ऑब्जर्व करना है। वी ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व करेंगे, पहला पॉइंट। अब देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे, यहां पर NH3 क्या है, NH3 आपका बेस है, NH3 बेस है आपका, या फिर NH2Z में लिखता हूं, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। NH2Z आपका बेस है। अब देखो NH2Z अगर आपका बेस होगा, अगर मैंने यहां पर एसिड ले लिया, ये मैंने यहां पर एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या बना लेगा बच्चों, ये क्या बना लेगा, ये यहां पर बेस और एसिड मिलके सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये आपका सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, सोल्ट का। देखो क्या बनेगा बच्चों, NH3+Z और यहां पर X-, ये इस टाइप के सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अगर मैंने यहां पर एसिड लिया, देखो यहां पर एसिड लिया हुआ है, यहां मैंने एसिड लिया हुआ है, तो एसिड क्या नहीं होने देगा, तो इसका मतलब इट कैन नॉट प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल। कब, जब यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये आपका न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो मुझे यहां पर एसिड कंडीशन क्यों लेना पड़ रहा है, ठीक है, वी हैव टू टेक, अब हम ये बोल सकते हैं यहां पर वी हैव टू टेक एसिडिक मीडियम फॉर प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल बॉन्ड, ठीक है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, मतलब कार्बोनाइल ऑक्सीजन के प्रोटोनेशन के लिए मैंने यहां पर कौन सा मीडियम लिया है, एसिडिक मीडियम। देखो फर्स्ट स्टेप में आपका यहां पर प्रोटोनेशन हुआ था, ठीक है, अब देखो एसिडिक मीडियम लेना पड़ा। अब हम एसिडिक मीडियम ना लेके हम यहां पर माइल्ड एसिडिक मीडियम लेंगे, ठीक है, माइल्ड एसिडिक मीडियम लेंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हमको सॉल्यूशन का पीएच क्या रखना पड़ेगा, pH 3 to 4, 3 to 4 का मतलब वीक एसिडिक मुझको रखना पड़ेगा। यहां पर पीएच मुझको कैसा रखना पड़ेगा बच्चों, वीक एसिडिक मुझको यहां पर पीएच को रखना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहां पर मुझे वीक एसिडिक पीएच को रखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने वीक एसिडिक पीएच रखा तो यहां पर इसको कई कई बुकों में 3.5 भी बोला गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पीएच की वैल्यू, यहां पर ध्यान रखना पीएच, यहां पर मुझे एसिडिक मीडियम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मुझे प्रोटोनेशन कराना था, प्रोटोनेशन कराने के बाद ही मैं इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकता था। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो क्यों हमने ऐसा किया और क्यों, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं बच्चों, दिस इज अ पीएच कंट्रोल्ड रिएक्शन, दिस इज अ पीएच कंट्रोल्ड रिएक्शन, यहां पर पीएच आपका कंट्रोल रहना चाहिए, ठीक है, पीएच कंट्रोल रिएक्शन ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, हमको यहाँ पर पीएच के बारे में ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा हमको किसके बारे में ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है तो हमको पीएच के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं कि अमोनिया और अमोनियम डेरिवेटिव्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है, ठीक है, तो एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। अब यहां पर जो जेड होता है, जेड आपको कोई भी कंपाउंड हो सकता है, देखो रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगा बच्चों, ध्यान से समझते हैं। देखो यहां पर कार्बोनाइल बॉन्ड बना दिया, अब NH2, यहां पर मैंने H, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट मैंने कि क्या बताया था बच्चों, पीएच आपको 3 to 4 रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रहे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका ये आपका इस तरीके से मूवमेंट करेगा और यहां से ये आपका बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपका वो इमीन टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, यहां पर आपका इमीन बन जाएगा अमोनिया के प्रेजेंस में, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे, अमोनिया के प्रेजेंस में आपका क्या बन जाएगा, इमीन। ये हो गया रिएक्शन नंबर 1, और इसी तरीके से काफी रिएक्शन है बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा,
अब रिएक्शन नंबर टू देखते हैं, बी रिएक्शन, रिएक्शन विद विद यहां पर हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी अमाइन, ठीक है, हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्शन। तो देखते हैं बच्चों, हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्शन काफी इजी रिएक्शन है, ये मैंने ऐसे कर दिया और यहां पर मैंने H2, यहां पर N, यहां पर OH। अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई और pH यहां पर भी मुझको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, 3 to 4। ध्यान रखना बच्चों इसका, 3 to 4, कई कई बुकों में 3.5 है, तो उससे घबराना नहीं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था अभी, ये निकाल देंगे। ये तो आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कीटो भी बोल सकते हैं या फिर मैं यहां पर एल्डो, और दोनों के बाद बाद में क्या लगा देंगे बच्चों, ऑक्साइन, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से बहुत ही अच्छी रिएक्शन आपकी बनती है बच्चों। मैं इसके बारे में आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। देखो इसके बाद और भी है बच्चों, रिएक्शन विद सी रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्काइल अमाइन, ठीक है। तो देखते हैं, रिएक्शन विद अल्काइल अमाइन के साथ रिएक्शन, मतलब RNH2 के साथ, ठीक है। तो कैसे होगा बच्चों, देखो यहां पर ये मैंने कार्बोनिल बॉन्ड बना लिया, यहां पर NH2 बना दिया और यहां पर R। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर pH आपको मेंटेन करना पड़ेगा 4 to 5, सॉरी 3 to 4, सॉरी यहां पर 3 to 4 आपको pH मेंटेन करना पड़ेगा। तो pH मेंटेन करना पड़ेगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका यह बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, CONR। इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड 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 वो इमाइन, क्या बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी रिएक्शन है। यहां पर हम अब और भी रिएक्शन देख सकते हैं बच्चों, रिएक्शन आपका डी, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रेजिन, ठीक है, हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन हम किस तरीके से कराएंगे बच्चों, देखते ध्यान से। यहां पर मैंने सी डबल बॉन्ड हो, यहां पर H2N और यहां पर NH2 बना दिया। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रेजिन के साथ कराऊंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर भी आपका कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड NH2, इसका नाम क्या होगा बच्चों, हाइड्राजोन, क्या नाम होगा इसका, हाइड्राजोन, ठीक है। जी ने तो जोन कर दिया, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो, याद भी रखने की कोशिश कर करिए बच्चों, आप लोग जितना याद रखेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। और भी रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, रिएक्शन नंबर ई, ठीक है, देख लेते हैं, रिएक्शन विद डीएनपी, ठीक है, डीएनपी का मतलब डाई नाइट्रो फिनाइल, डाई नाइट्रो फिनाइल, रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है बच्चों, डाई नाइट्रो फिनाइल के साथ। और यहां पर क्या लिखेंगे, 1, 4, 2, 4 डाई नाइट्रो फिनाइल के साथ आपको रिएक्शन कराना है, ठीक है, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन, इसके साथ आपको रिएक्शन कराना है। तो क्या होगा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, सबसे पहले समझेंगे, स्ट्रक्चर मैं आपको यहीं पर बनाऊंगा, तो देख लेना बच्चों ध्यान से। एन एन एच यहां पर देखो, ये मैंने हाइड्रोजन बना दिया, ये वाले पार्ट को हाइड्रोजन बोलेंगे, यहां पर टू पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और इस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। अगर इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा पीएच किस पर बेटा, 3 to 4 पर, तो क्या होगा बच्चों ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर ये बाहर निकलेगा और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा NH, यहां पर आपका इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा NO2 NO2। और ध्यान से समझना, ये वाली रिएक्शन आपके टेस्ट में भी काम आएगी, टेस्ट मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट में भी आपके ये रिएक्शन आपके काम आती है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपका यहां पर रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा उसको देखते हैं एक एक करके ध्यान से। तो नेक्स्ट रिएक्शन में बच्चों क्या होगा हमारा, देखते हैं यहां पर ई, ई के बाद एफ, एफ रिएक्शन को समझते हैं, रिएक्शन विद ठीक है, रिएक्शन विद यहां पर फिनाइल फिनाइल हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन। बच्चों अगर मैं इसका नाम पूछूं तो क्या होगा बच्चों, इसका
इसका नाम होगा 2,4-dinitrophenylhydrazone. क्या नाम होगा? 2,4-dinitrophenylhydrazone. अगर मैं इसके साथ रिएक्शन पूछूंगा तो यहां पर आपका कार्बोनिल बॉन्ड और यहां पर क्या होगा NH2NH और यहां पर ये आपका इस तरीके से फिनाइल बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन जीन. अब क्या होगा बच्चों, यहां पर अगर मैं इसकी रिएक्शन इस तरीके से कराऊंगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड एन एन एच और यहां पर इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा. आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है. ठीक है, ये इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा. तो एक और रिएक्शन है बच्चों इसमें, सेमी कार्बोजाइट रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइट. तो उसको हम समझते हैं जी, रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइट. ठीक है, कार्बोजाइट के साथ रिएक्शन. तो रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइट क्या होगा, देखो यहां पर कार्बोनिल बॉन्ड है. अब देखो NH2, ठीक है, यहां पर NH2 NH CO NH2. देखो ये अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर ने ये वाला नाइट्रोजन क्यों नहीं पार्टिसिपेट कराया, ये वाला क्यों पार्टिसिपेट कराया. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये वाले का इलेक्ट्रॉन आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो यही वाला आपका पार्टिसिपेट करेगा. तो यहां से आपका इस तरीके से बाहर निकलेगा और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा NHCONH2. देखो इसका नाम होता है सेमी कार्बोजाइट, इसका नाम क्या होगा, सेमी कार्बोजोन. तो ये कुछ रिएक्शन थी अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव की. तो यहीं से एक नई आपके रिएक्शन का जनरेशन हुआ है, उसको मैं आपको बताता हूं. देखो इसी में जब हमने कीटो ऑक्सिम बनाया था, ध्यान से समझना, बैकमैन रीअरेंजमेंट. अगला रिएक्शन बच्चों बैकमैन रीअरेंजमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन. अब देखो बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपका होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना. क्या होता है बच्चों, जो आपका कीटो ऑक्साइम है वो आपका माइल्ड एसिडिक मीडियम है. कौन सा मीडियम है बच्चों, माइल्ड एसिडिक मीडियम में क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन करके 2° amide का प्रोडक्शन करेगा. किसका प्रोडक्शन करेगा बच्चों, 2° amide का प्रोडक्शन करेगा. तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पर बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है. ठीक है, माइल्ड एसिडिक मीडियम मतलब हम क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पर H3PO4 ले सकता हूँ, यहाँ पर PCl5 ले सकता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया POCl3, यहाँ पर मैंने SOCl2 ले सकता हूँ. तो इस तरीके का मैं कंपाउंड यहाँ पर ले सकता हूँ, यहाँ पर H+ भी लिखा हुआ मिल सकता है. तो अगर मैंने ये सब कंपाउंड लिया तो मुझे कीटो ऑक्सिम का मुझे यहाँ पर माइल्ड एसिडिक मीडिया में रिएक्शन करा के यहाँ पर 2° amide बनाना पड़ेगा. तो ये रिएक्शन एक्चुअली में है क्या बच्चों, ये रिएक्शन एक्चुअली में आपके रीअरेंजमेंट रिएक्शन है. रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने का मतलब यहां पर आपका कौन काम में देगा, माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड आपका बहुत काम में देगा बच्चों, इसको ध्यान रखना. तो अब हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं कि इस रिएक्शन को हम किस तरीके से सोल्व करें. अब हम इसमें देखते हैं बच्चों कि बैकमैन रीअरेंजमेंट में आपको माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड का ऑर्डर का ध्यान रखना है और साथ में कीटो ऑक्सिम के साथ आपको 2° amide बनाना है. ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बच्चों कि आपका जो कीटो ऑक्सिम है, देखो यहां पर कीटो ऑक्सिम को बनाता हूं मैं. देखो कीटो ऑक्सिम आपको मैंने कुछ ऐसा बनाया था, CH3CH3, यहां पर डबल बॉन्ड NOH, यहां पर मैं दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लेता हूं बच्चों. ये मैंने R1 ले लिया, ये मैंने आपका क्या ले लिया बच्चों, R2. ठीक है, इस तरीके से मैंने कीटो ऑक्सिम लिया. ठीक है, अब हम समझते हैं यहां पर मैकेनिज्म इसका, बैकमैन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों. सबसे पहले आपका माइल्ड एसिडिक मीडिया है तो H+ आपका कहां अटैक करेगा, यहां पर H+ आपका अटैक करेगा तो क्या बना लेगा बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपका इस टाइप का कंपाउंड बना लेगा बच्चों. ये यहां पर आपका इस टाइप का कंपाउंड बना लेगा R2, यहां पर C डबल बॉन्ड NOH2+. नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर R, जिसे ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा यहां से एक ग्रुप आपका माइग्रेट होगा.
तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर कार्बोकैटायन का प्रिपरेशन होगा, तो आर टू सी प्लस डबल बॉन्ड एन और यहां पर आर वन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन इसमें डील करनी है। ठीक है, काफी इजी रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, H2O अटैक करेगा, H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, आर टू सी ओ एच एच प्लस और यहां पर डबल बॉन्ड एन आर वन। अब देखो ये आपका बाहर निकलेगा H प्लस, यहां से जब आपका H प्लस बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, आर टू सी ओ एच डबल बॉन्ड एन एच आर। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी रिएक्शन है। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो ये आपका ओ एच है ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, और ये वाला बॉन्ड जब यहाँ खुलेगा तो ये यहाँ जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ध्यान से समझना बच्चों, जो जो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ जाएगा और आपका क्या बना लेगा बच्चों, आर टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर, मतलब आर वन। ठीक है, ये इस तरीके से 2 डिग्री अमाइड का प्रोडक्शन करेगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका रिएक्शन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री का थोड़ा सा ध्यान देना, तो देख लेते बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री इन बैकमैन रीअरेंजमेंट, तो देखते एक एक करके ध्यान से। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री इन बैकमैन रीअरेंजमेंट, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बैकमैन रीअरेंजमेंट बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। बैकमैन रीअरेंजमेंट में स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी बच्चों, देखो ऑक्सीम आपके दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, मैंने आपको बताया था, अगर आपका इस तरीके से हुआ, यहां पर मैंने लिख लिया बच्चों C2H5 CCH3 डबल बॉन्ड एन, यहां पर मैंने कर दिया OH, यहां पर मैंने कर दिया लोन पेयर। अब देखो बच्चों, अब दोनों ग्रुप अगर सिमिलर डायरेक्शन में होंगे तो ये E होगा और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सॉरी ये आपका क्या होगा, Z होगा और इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, यहां पर सिन आपका सिन होगा बच्चों, ये आपका सिन आइसोमर, कौन सा आइसोमर होगा बच्चों, ये आपका सिन आइसोमर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बनाना चाहूं तो C2H5 मैंने यहां कर दिया, C डबल बॉन्ड N यहां कर दिया, ये मैंने OH कर दिया और यहां पर मैंने इस तरीके से कर दिया, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, NT। ठीक है, NT आइसोमर, मतलब इसको क्या बोलेंगे, E आइसोमर। ठीक है, अब ध्यान देना, इफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज स्पेसिफाइड इन रिएक्शन, ठीक है, इफ ज्योमेट्रिकल, अगला समझना ध्यान से, इफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज स्पेसिफाइड, मतलब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको स्पेसिफाइड कर दिया है तो क्या होगा, ध्यान से समझना, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आपको स्पेसिफाइड कर दिया है तो अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूं तो इसकी अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो ध्यान से काफी तरीके से इसको समझना बच्चों, तो यहां पर आपका ये आपका OH, ये आपका यहां पर क्या आ जाएगा CH3। अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाइड किया हुआ है तो हमेशा अगर मैं यहां पर H+ का अटैक करा के इसको बाहर निकालूंगा तो हमेशा NT वाला आपका इस तरफ लगेगा, हमेशा कौन लगेगा बच्चों, NT वाला, और यहां पर आपका क्या आएगा, कार्बोनिल बॉन्ड, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से कार्बोनिल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर NHC2H5। ठीक है, एंटी वाला अटैक, एंटी वाला आया। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म में आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बन पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ आता था और नाइट्रोजन पे आपका एच आता था, तो यहां पर इस तरीके का आपका 2 डिग्री अमाइड बन जाएगा अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाइड किया गया है तो, ध्यान से समझना, अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाइड किया गया है तो, इफ अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आपका स्पेसिफाइड नहीं किया गया है तो, देखो ये मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, यहां पर C2H5, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, H+ के प्रेजेंस में तो NT वाला ही आपका यहां आएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH, यहां पर CH3, यहां पर C2H5। कब, कंडीशन क्या है बच्चों, ये जब आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाइड किया गया हो, लेकिन इन द कंडीशन ऑफ
इफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका स्पेसिफाइड नहीं दिया गया हो, देन रीअरेंजमेंट विल अकर अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड। मतलब आपका रीअरेंजमेंट किसके थ्रू होगा? माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के थ्रू होगा। बच्चों इस चीज को ध्यान से समझना, तो ध्यान से समझेंगे कि माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के थ्रू आपका रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन कब? जब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है तब। तो देखते हैं एक बार, ध्यान से समझते हैं इसको। तो यहां पर मैंने अभी देखो एक कंपाउंड बनाता हूं बच्चों, यहां पर सिंपल। तो यहां पर मैंने एक कंपाउंड बना दिया, क्या यहां पर मैं कंपाउंड बना देता हूं। यहां पर देखो ये मैंने इस टाइप का एक कंपाउंड बना दिया, ये ठीक है, ये मैंने सी, ठीक है, एन, और ये आपका ओ एच, ठीक है, ये मैंने कीटो ऑक्सिम बना दिया। अब देखो अब आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा? मैंने आपको माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड में बताया था, यहां पर ये आपका 2 डिग्री है, यहां पर ये आपका 1 डिग्री है टूटने के बाद। तो कौन सा ग्रुप आपका माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड पहले दिखा था बच्चों? 2 डिग्री। तो ये वाला ग्रुप आपका कहां माइग्रेट हो जाएगा बच्चों? ये वाला ग्रुप आपका इस पोजिशन पे माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहां पर क्या बनेगा? कार्बोनिल बॉन्ड। यहां पर जो कार्बन होगा वो क्या बना देगा? कार्बोनिल बॉन्ड। तो यहां पर किस तरीके से होगा, इसका मैं मैकेनिज्म भी आपको बता देता हूँ बच्चों, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मैं मैकेनिज्म के थ्रू ही करता हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो एक रिएक्शन है, इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। देखो एच प्लस ने सबसे पहले अटैक किया इस पर, तो यहां पर ये इस टाइप का कंपाउंड बना लेगा। देखो ये इस टाइप का कंपाउंड बना लिया, यहां पर एन ओ एच 2+ बना लेगा। अब यहां से ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ये बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप यहां माइग्रेट करेगा। तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेंबर के रिंग बनाना है आपको, ठीक है, 7 मेंबर के रिंग बना लो आप लोग बच्चों। तो मैंने यहां पर 7 मेंबर के रिंग बना लिए, ठीक है। अब देखो यहां पर नंबरिंग करते बच्चों ध्यान से, 1 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 पे मैंने कि क्या लगा दिया? नाइट्रोजन, ठीक है। और इसके पास यहाँ पर बच्चों मेरा डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसके पास यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड। थोड़ा सा ध्यान से समझना, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, और यहाँ पर 1 वाले कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है। इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझो बच्चों कि सी और एन के पास डबल बॉन्ड है, इस तरीके से आपका कंपाउंड बना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। अब जो यहां से ये माइग्रेट किया है, वहां पर कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? H2O मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा इस पॉइंट पर, ध्यान से। तो H2O मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा, तो यहां पर नाइट्रोजन में लिख देता हूं, यहां पर आपका COOH, यहां पर प्लस साइन, यहां पर इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल बनने वाला है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से H बाहर निकलेगा, तो H+ आपका यहां से बाहर निकल गया, तो यहां पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड एन, ये आपका इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा, और यहां पर आपका OH हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा, और आपका जो ये वाला हाइड्रोजन है वो कहां जाने वाला था? ये वाला हाइड्रोजन इस पोजिशन पे जाने वाला था। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर NH, यहां पर आपका इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम इसका सिंपल तरीका समझते हैं। जहां पर आपका माइग्रेटरी ग्रुप होगा वहां पर आप N लगा दो, यहां पर आप N लगा दो, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, और आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका तरीका समझ लेते हैं, शॉर्टकट किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का तरीका हम लोग डील कर लेते। देखो जब भी आपका इस तरीके से दिया जाए तो इसका शॉर्टकट कैसे हमको समझना है। देखो अब देखो यहां पर कहां से बॉन्ड टूट होटेगा उसको एनालिसिस कर लो आप लोग। तो कहां से बॉन्ड टूटने वाला है बच्चों? यहां से बॉन्ड टूटने वाला है, क्योंकि इसका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो जैसे ही यहां से बॉन्ड टूटेगा,
तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड एन, और ये इस तरीके से, ये सॉरी यहां पर तो अभी आपका 6 मेंबर की रिंग है, तो यहां पर इस तरीके से 7 मेंबर की रिंग हो जाएगी, और एन के पास कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहां पर आपका सी डबल बॉन्ड हो, और यहां पर आपका एनएच। तो इस तरीके से हम इसमें कंपाउंड को भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, जहां से तोड़ना होगा बस उसी उसी पॉइंट को उठा के एन के पास ले जाओ, बस ये इसका तरीका है बेंगमैन रीअरेंजमेंट का। थोड़ा सा इस तरीके को ध्यान रखो, कब, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिया हो उसका कंडीशन, और अगर जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिया हो उसका कंडीशन, दोनों का कंडीशन भाई बेटा अलग अलग है, थोड़ा आप लोग कोशिश करो। देन देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड कुछ दो तीन चार में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लूंगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में अच्छे से आया होगा। तो एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देता हूँ बच्चों आपको, कि अगर मेरे पास ऐसा हुआ CH3, ठीक है, ये मेरे पास कीटोन है, ठीक है, कीटोन का रिएक्शन मुझे H2NHOH के साथ कराना है, नाउ देन फर्दर इसका मुझे एसिडिक मीडिया में रिएक्शन कराना है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं इसका हिंट आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपका कीटोक्सिम बनेगा, और कीटोक्सिम आपके वीक एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा बच्चों, रीअरेंजमेंट। तो ये सेकेंड रिएक्शन आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट है, बट इसमें आपको ये आपको नहीं दिया गया है कि स्टीरियो के केमिस्ट्री की कैसा है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के थ्रू आपको रिएक्शन को सोल्व करना पड़ेगा। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।